तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय जितेंद्र राजभर सर को युवा प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश मैं निवेदन करता हूं वो आए और अपने विचार रखे। माननीय जितेंद्र राजभर सर, युवा प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से आज किसान शहीद दिवस के अवसर पर बस्ती जनपद में आज जो ये कार्यक्रम राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है, इस मौके पर मंच पर उपस्थित माननीय विकास चौधरी पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ मंच पे मौजूद माननीय मनोज कुमार पासी सर, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी और साथ में उपस्थित अन्य सभी मंचासीन साथियों और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूर दराज से उपस्थित सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथियों, आज वर्तमान सरकार द्वारा जो देश के किसानों की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। साथियों, जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि अभी एक साल पूरे होने के बाद दिल्ली से किसानों का धरना प्रदर्शन समाप्त होने जा रहा है। सरकार अभी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर लोग हैं उनको भी सरकार अपने चंगुल में बजाकर और गुलाम बनाकर राज करना चाहती है। इसीलिए अभी सरकार द्वारा तीन काले कानून लाए गए थे, लेकिन धन्य है किसान भाई और राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो लगातार आंदोलन पे आंदोलन चलता रहा और सरकार को झुकना पड़ा, और झुकने के साथ साथ अभी इसमें विषय लगा है कि झुकने के साथ साथ उसका कारण है। वो कारण क्या है कि इस देश की जीडीपी यदि टिकी है तो किसानों पर, और साथ ही साथ इस देश का जो किसान है तो भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों के वोट से ही दिल्ली में चाहे यूपी में सरकार और चाहे किसी अन्य प्रदेश में बिना किसानों के वोट के सरकार बनने वाली नहीं। अभी आंदोलन हम लोग किए लेकिन पांच राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव के डर से, और अभी जो हम लोग जागृति किए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से वो गांव गांव घर घर किसानों का आंदोलन पहुंच गया साथियों, और सरकार डर से वापस किसान कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन विडंबना इस देश की है कि ऐसा कानून हमारे किसान भाइयों के लिए बनाया गया तो हमारे भाई ये सोचते हैं सिर्फ ये किसानों का सत्यानाश है, तो ऐसा नहीं है साथियों। किसानों के साथ साथ इस देश के किसान मजदूर और इस देश की जीडीपी और इस देश में रहने वाले सभी लोगों का सत्यानाश है साथियों। लेकिन अभी किसान कानून जो वापस हुए, लेकिन अभी आधी अधूरी लड़ाई हम लोग जीते हैं साथी। अभी उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा का चुनाव है और सरकार द्वारा तीन चीनी मिल बंद है अभी,
चीनी मिल बंद है और साथ ही साथ गन्ने का भुगतान भी बाकी है। और अभी एमएसपी कानून वो भी बाकी है। तो अभी इसके लिए भी हम लोगों को गांव गांव जागृति करके आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। अभी इतनी लड़ाई नहीं थी, अभी आगे और लड़ाई है साथियों। वो लड़ाई क्या है कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए और बिना एमएसपी कानून बने कितना बड़ा सत्यानाश होगा, एक उदाहरण सहित आपको बताना चाहता हूं। अभी काला बाजारी बहुत जोरों से चलेगा, वो कैसे चलेगा एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एक मोबाइल कंपनी यदि मोबाइल बनाती है तो मोबाइल कंपनी अपने मोबाइल का दाम रखती है कि इतने दाम पे मोबाइल मैं दूंगा, और साथ ही साथ ये तय होता है कि इतने दाम पे मैं दूंगा और आपको मार्केट में इससे 1,500 ज्यादा या 1,000 ज्यादा इतने रुपए पे आपको ये मोबाइल बेचना है, ये तय होता है। लेकिन साथियों यदि किसानों के लिए एमएसपी का कानून नहीं बना तो किसान अनाज पैदा करेगा और अनाज जब पैदा करेगा तो अनाज का दाम जब सरकार तय नहीं करेगी तो जब हम जाएंगे आढ़त पर बेचने तो अपने हिसाब से लेगा, और जब अपने हिसाब से लेगा तो आप समझिए अपने हिसाब से लेने के बाद वो कहेगा आपको देना इधर दो और नहीं तो जिधर मन कहे उधर दो। जब सरकार दाम तय नहीं करेगी तो मैं इतने पे लूंगा, आपको देना है दो और नहीं तो जाओ। तभी सरकार द्वारा यह बताया गया कि जगह जगह मंडियां खुलेंगी, अब मंडियों में आप किसी मंडी में ले जाके बेच सकते हैं। तो बस्ती वाले यदि गोरखपुर मंडी में ले गए अनाज बेचने और पता चला कि जो बस्ती में रेट था उससे कम रेट गोरखपुर में मिल रहा है तो हमारे लोग क्या करेंगे, वापस बस्ती लाएंगे क्या? तो वापस बस्ती लाने वाले नहीं, कौड़ी के दाम पर आपका अनाज लिया जाएगा और अनाज लेने के बाद उसका भंडारण करेंगे और भंडारण करने के बाद डबल दाम पर बेचने का काम करेंगे। तो साथियों अभी ये कानून भी लागू होना चाहिए कि रेट फिक्स करो और साथ ही साथ रेट फिक्स करने के साथ साथ गन्नों का जो भुगतान है वो भी हमको चाहिए। और जो अभी रोजगार की बात चल रही है तो जब गन्ने के मिल बंद कर दिए गए तो रोजगार कहां से देंगे, रोजगार हवा में नहीं आएगा, तभी गन्ने के मिलों को भी जारी रखना होगा और इसके लिए अभी ये आंदोलन भी जारी रखना होगा। साथियों अभी देश की जो हालात और स्थिति है तो आपको ध्यान रखना है, सामने 2022 में विधानसभा के चुनाव है और जो सरकार आपके साथ धोखेबाजी की तो अभी चुनाव के समय कानून वापस ली, तो हो सकता है कि उद्योगपतियों के पैसे पर ये सरकार बनाते हैं और आपके वोटों को खरीदने का काम भी करेंगे। तो आपको समझदारी रखना, खबरदारी रखना है। जो साल भर दिल्ली में बैठा सकते हैं और साल भर धरना चलता रहा, कितने लोग शहीद हो गए, तो आने वाले समय में 2022 में इनको सबक सिखाना है साथियों। और सबक सिखाए बगैर आपको पीछे नहीं हटना है और किसी भी हालात में आपको यह समझना है कि आपके लिए पूरे देश में कौन से लोग आंदोलन किए। तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा का यदि सहयोग पूरे भारत में आप निगाह उठाकर देखिए तो बहुजन मुक्ति पार्टी कदम से कदम मिलाकर चलने का काम की। तो साथियों अभी 2022 में सरकार बनाना है तो आपको तय करना है कि सरकार किसका बनना चाहिए,
कि जो साल भर बाहर वहां दिल्ली में घर से बाहर निकाल के रोड पर बैठाए रहे उनका सरकार बनाना है, या किसानों के साथ कदम से कदम मिलाने वाले बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाना है, ये आपको तय करना है। क्योंकि किसान के वोट के बगैर किसी की सरकार बनने वाली नहीं है साथियों, इसको ध्यान में रखना है। और जो हमारे साथ धोखेबाजी किए ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना, और सत्ता से बेदखल करेंगे तो आपको जानकारी होगा कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और 24 का भी ध्यान रखना है। अगर उत्तर प्रदेश का रास्ता आज के किसान भाई बंद कर दिए तो दिल्ली तक ये पहुंचने वाले नहीं है। और एक बार बहुजन मुक्ति पार्टी का रास्ता खोलिए तो आप जो चाहते वो लागू होने वाला है साथियों। और ये हम 100 रुपए के स्टंप पे बहुजन मुक्ति पार्टी आपको अपना एजेंडा 100 रुपए के स्टंप पर लिख कर देंगे कि हम क्या करने वाले। तो साथियों अभी ये निवेदन करना है आपसे कि बहुजन मुक्ति पार्टी इस बार दमखम से आपके बीच में आएगी। और आप लोगों से अपील करता हूं साथियों कि इस आंदोलन में यदि बहुजन मुक्ति पार्टी कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चली है तो आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ऐसा आशा और विश्वास करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग साथ सहयोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम करने से पहले राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम सुरेश वर्मा जी को आभार धन्यवाद करता हूं कि जो बस्ती की धरती पर इतना बड़ा कार्यक्रम लगाए और इस कार्यक्रम में किसानों की संख्या को जुटाए, इसके लिए आभार और धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।